जैसे कि आज हम मानसर लेक में आए हुए हैं। ये मानसर लेक जो है जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और इस झील के किनारे बहुत प्यारा एक जू बना हुआ है, जिसमें आपको हिरन दिखेंगे, मोर दिखेंगे, नील गाय दिखेगी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे इस झील के किनारे आने में। बड़े सारे बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको लोकल दुकानें भी मिलेंगी झील के किनारे, और बड़ा ज़्यादा लोग बोटिंग करने भी आते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि जू में कुछ नील गाय जो हैं ये रखी गई हैं, और ये इनकी संख्या तकरीबन कोई कम से कम भी 50 से 60 तक हो सकती है यहाँ पे, जो मैंने देखा यहाँ पे, क्योंकि 3 इनके शेड्स अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ी बड़ी ये नील गायें हैं। इनके बीच में कुछ बच्चे भी हैं, ये बीच में मेल हैं, ये साथ में जिनके सींग हैं यहाँ पे, ये मेल्स हैं, और दूसरी जो हैं ब्राउन कलर की ये फीमेल्स हैं। और बड़ा ही प्यारा नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमें यहाँ पे नील गाय देखने की, जो कि बड़ी दूर दूर तक पाई जाती है जंगलों में। बेसिकली ये जंगलों में पाई जाती है और लोगों के खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा ये खाती है। वहाँ पे लोगों के खेतों में जो भी फसलें होती हैं वो खाती है। और नील गाय जो होती है हमारे यहाँ पे बॉर्डर साइड जो है, पाकिस्तान वाली साइड से, बॉर्डर साइड से बड़ी सारी नील गाय जो हैं क्रॉस बॉर्डर करके पहले आती थी, तो अभी भी शायद, और बीच बीच में हमारे यहाँ पे जंगलों में भी कभी कभार देखने को मिलती हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ पे मानसर झील के किनारे जू में रखी गई हैं, जो भी यहाँ पे सैलानी आते हैं उनके लिए रोमांच का काम करता है, और बड़े खुश होते हैं लोग यहाँ पे आके। टूरिस्ट लोग यहाँ पे अपने बच्चों को ये जानवर दिखाते हैं, ताकि बच्चे भी फैमिलियर हो जाएं कि ऐसे कुछ जानवर जंगलों में भी पाए जाते हैं।